कॉफी कैन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करते हैं, वो भी आसान शब्दों में। पुराने जमाने में जब कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं थी तब वेस्टर्न कंट्रीज के लोग अपने पैसे को कॉफी के कैन में रखते थे और उसको साइड में रख देते थे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलरली हम कुछ ऐसी कंपनी सिलेक्ट करेंगे जो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करती है, जिसका सेल्स ग्रोथ 10% से भी ज्यादा है पिछले 10 साल में और जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 15% से ज्यादा है। सो गाइज, ये स्टॉक सिलेक्ट करके हम अपना कैपिटल को इक्वली डिवाइड कर देंगे स्टॉक्स में। सो होगा क्या कि इसमें से 10-15% कंपनी ऐसी रहेगी जो बिलो एक्सपेक्टेशन रिटर्न देगी, मेजोरिटी 50% कंपनी ऐसी रहेगी जो एवरेज रिटर्न देगी और 20-30% कंपनी ऐसी रहेगी जो मल्टी बैगर रिटर्न देगी। यहाँ पे हमारे पोर्टफोलियो को ओवरऑल बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। वैसे ये स्ट्रेटजी की खासियत तो उसकी सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन में है और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में हमें कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलता है। गाइज, मैंने एक स्कैनर डिजाइन किया है जिससे आप ये स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये स्कैनर की लिंक, उसके फॉर्मूला और उसकी डिटेल्स जानने के लिए कमेंट कीजिए स्कैनर इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और ऐसे वीडियोस इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।